स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सोरेबडी आज के एडिटोरियल डिस्कशंस में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप इस वीडियो, इस चैनल को देखते समय छोटा सा शॉर्ट नोट भी पास में रखा करो, ताकि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से कंटेंट सर्व किए जाते हैं उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर सकें। सो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तो पहला बात यहाँ पर यही पॉइंट बन जाता है कि किसने जारी किया है, ठीक है, और क्या भूमिका है, और क्या बिल्कुल जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल हमारे एग्जाम के लिए कितना हद तक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारत ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी, प्लीज को नोट डाउन कर लेना, यह आंसर काफ़ी काम आने वाला है, जिससे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट, जिसका कि शीर्षक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 है, इसको भी आप नोट कर लेना। 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालती है, ठीक है। ये जो सेगमेंट है आप इसको हल्के मत लेना, ये जानकारी तो दे रही है, प्लस आपको जो आंसर राइटिंग है ना, आंसर राइटिंग भी काफ़ी भूमिका निभाती है। सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में 13.5 करोड़ लोग सफलतापूर्वक बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, ठीक है। 9.89% अंकों की गिरावट की अगर बात करें तो भारत में बहुआयामी गरीबी में 9.89% अंकों की प्रभावशाली गिरावट देखी गई है। सो प्लीज़ ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि भारत की गरीबी में 9.89% की गिरावट आई है गरीबी में, ठीक है, जो इसके नागरिकों की भलाई और रहने की स्थिति का पर्याप्त सुधार को दर्शाता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र गरीबी उन्मूलन में अग्रणी की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र गरीबी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी बनकर उभरे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र इस बार अग्रसर हुए हैं अपनी गरीबी को कम करने में। रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% तक तेजी से गिरावट प्रकाश डालती है। ये आंकड़ा आपको प्लीज रखना है, ठीक है, अपने पास। उत्तर प्रदेश अगर अग्रणी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सो इसमें आप ये बिल्कुल कहने में हिचकिचाएंगे नहीं कि जब इस तरह से बहुआयामी चीज़ें में परिवर्तन आता है तो उसमें जो सरकार होती है ना उसका काफ़ी योगदान होता है, चीज़ों को बढ़ाने में घटाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें सरकार के पहल को आप बताने में गुणगान करने में पीछे नहीं हट सकते। हालांकि एक बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब आंसर राइटिंग करेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल वर्ड होने चाहिए, प्रोफेशनल कंटेंट होने चाहिए, और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इस वर्ड को भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं, जो कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँच में सरकारी पहल की प्रभावशीलता को दर्शाती है। तो याद रखना 3.43 करोड़ लोग यूपी के अपनी गरीबी को खत्म किए हैं और एक नॉर्मल जीवन में प्रवेश किए हैं, ठीक है। व्यापक कवरेज की बात करें तो रिपोर्ट में 707 प्रशासनिक जिलों में गरीबी का व्यापक विश्लेषण शामिल है, जो कि क्षेत्रीय असमानताओं और गरीबी कम करने के प्रयासों की प्रगति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विचार किए गए आयाम की अगर बात करें तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रखता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये देखिए आपके MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। सो इसको PT के बेस से आप इसको इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। ये आयाम गरीबी का व्यापक जो मूल्यांकन है प्रदान करते हैं, जो कि विकास और कल्याण की समग्र प्रकृति को दर्शाते हैं। गरीबी उन्मूलन में योगदान देने वाले प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आवश्यक संसाधन प्रदान
करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो एवरीबडी, यहाँ से टोटल 5 से 6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि नीति आयोग का ये रिपोर्ट है तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। कौन सा राज्य ऐसा है जो बिल्कुल अपनी गरीबी को दूर करने में अग्रसर पहल किया है, ठीक है। एक बहुयामी अगर हम एक ओवरव्यू भारत की बात करें तो क्या अवस्थिति आई है। सो इन सब बातों को प्लीज़ आपको नोट डाउन करके रखना है। एवरीबडी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हम मिस कर दिए हैं, वो भी गलती से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को, अपने कंटेंट को जरूर शेयर करें। आपको एडिटोरियल डिस्कशंस कैसा लग रहा है आप ये भी जरूर बताएं, क्योंकि आपका सुझाव ही हमें सुधरने का मौका देता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। तब तक प्लीज़ आप नोट्स को बनाइए और कंटेंट को जितनी बार हो सके उतनी बार रिविज़न करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।